हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। एंड दोस्तों, फिर से आप सभी का एक न्यू प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड जीके। ठीक है क्या दोस्तों? सोशल साइंस एंड जीके दोनों में ही आते हैं ये क्वेश्चन जो आपके मैं आज कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो 25 में से आपके जितने भी बनेंगे आप लास्ट में मुझे जरूर कॉमेंट करना। ठीक है, सभी बताना स्कोर कार्ड अपना कि कितने कितने बन रहे हैं दोस्तों। और आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़े अच्छे लेवल के रखे गए हैं। ठीक है, थोड़े से अच्छे, मतलब ज्यादा भी नहीं है, बट थोड़े अच्छे लेवल के रखे गए हैं। तो सभी को ज्यादा से ज्यादा बताना है कि सर कितने नंबर बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो सभी कमेंट करना दोस्तों, सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ऑल स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों, आज हम करने वाले फिर से न्यू प्रैक्टिस सेट जो आपका चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। ठीक है, तो सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों। शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को, सभी शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से जल्दी भाई। ठीक है, हर जगह शेयर कर दीजिए दोस्तों, और आई पेपर क्लासेस को सपोर्ट करिए। ठीक है, आपका आई पेपर क्लासेस जो चैनल है वो 25 के अबाउ, मतलब नियर अबाउट है। ठीक है, पहुंचने वाला है दोस्तों। जल्दी जल्दी सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके प्रोग्रेस कराइए दोस्तों, राइज पर लेकर जाइए चैनल को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से करने वाले हैं न्यू प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ये हमारा प्रैक्टिस है आई थिंक 8वां या 9वां है। ठीक है, तो मैं रेगुलरली 25-25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आपके 8 प्रैक्टिस सेट भी होते हैं दोस्तों, 200 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, सोशल साइंस के, तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं ना वो सभी प्रैक्टिस सेट देख लेना भाई। ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट देख लेना दोस्तों, जल्दी ही आपकी महा मैराथन 2 आ जाएगी। कल मैंने महा मैराथन जो डाली थी दोस्तों, इसकी थी दोस्तों सोशल साइंस का आपका पार्ट 1 था, जिसमें आपकी सारी क्लासेस इंक्लूड कर दी गई थी। तो एक ही क्लास में आपको सारा कुछ डाटा मिल गया दोस्तों, तो उम्मीद है कि सभी को पसंद आया होगा ये सब। ठीक है, और एक भाग और आएगा दोस्तों, भाग 2, इसके बाद आपकी सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगी, और 10 तारीख के लपेट में हम भाग 2 या जितना भी हो पाएगा कंप्लीट कर देंगे। और एक बिग अपडेट देनी है दोस्तों आपको, 2/15 पर सभी को आना है। क्या 2/15 पर सभी को आना है? आपका क्या स्टार्ट होने वाला है? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा, तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्लास को, क्योंकि 2/15 पर आपका आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट भी होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए भाई सभी, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बताइए दोस्तों, हु अमोंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजोर? बताइए स्टूडेंट्स, कहाँ हो जाएगा ये तंजावुर कहाँ स्थित है दोस्तों? तंजावुर कहाँ स्थित है भाई? ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में। स्टूडेंट्स, तमिलनाडु में स्थित है भाई, सभी को पता है तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में दोस्तों, इसका किसने निर्माण कराया था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था दोस्तों। क्या? राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। समझ में आया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम कुछ जान लेते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि तमिलनाडु, आप सभी को पता ही है मंदिरों का गढ़ तमिलनाडु ही है। ठीक है, मंदिरों का गढ़ तमिलनाडु है दोस्तों। तो कुछ इंपोर्टेंट मंदिर जो है आपके, उन्हें लिख लेते हैं। एक तो हो गया दोस्तों पंचरथ, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है भाई पंचरथ। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें दोस्तों, एक हो गया मीनाक्षी मंदिर, ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है सभी के लिए, मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, तो इसे याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट है। ये आपका कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है दोस्तों, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी टेम्पल। दूसरा यदि बात करें, वैगई नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, कहाँ स्थित है? वैगई रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, वैगई रिवर के किनारे स्थित है कौन सा? मीनाक्षी टेम्पल, तमिलनाडु के अंदर है। आगे चले दोस्तों, और ये दोस्तों आपका पार्वती से रिलेटेड है, माँ पार्वती को समर्पित है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। आगे हम बात करें तमिलनाडु में और कौन सा मंदिर है? रामानाथ स्वामी मंदिर, रामानाथ स्वामी टेम्पल जो है वो भी आपका यहीं पर रिलेटेड है तमिलनाडु में। ठीक है, समझ में आया? ये भगवान शिव को समर्पित है। इसको दोस्तों, भगवान शिव को। आगे हम बात करें दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट टेम्पल ले लेते हैं हम। एक है दोस्तों हमारा, ये है अम्बकेश्वर मंदिर दोस्तों। अम्बकेश्वर मंदिर जो है, ये भी आपका भाई वही हो जाएगा कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा यदि हम बात करें दोस्तों, एक और लिख लेना आप साथ के साथ ही, जितने भी है मैं सामने सारे टेम्पल लिखा दूंगा। मरुंडेश्वर, क्या दोस्तों? मरुंडेश्वर जो है ये भी आपका तमिलनाडु में है। अब दोस्तों हम बात करें, जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस नदी के किनारे स्थित है?
ये बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो लिख लेना ये है हमारा कावेरी नदी के किनारे स्थित। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये जो रिवर के नियर होते हैं ना, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ये कावेरी नदी क्या है दोस्तों? इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा कावेरी नदी। तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर आएगा, जल्दी जल्दी जवाब देना सभी। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? क्या है? हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। ए बाल गंगाधर तिलक, बी हो जाएगा राजा राममोहन राय, सी हो जाएगा जे ए हिक्की, डी हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग बेंटिक। बताइए दोस्तों सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर टू का सी। ठीक है, जे ए हिक्की। क्या दोस्तों? जे ए हिक्की ने की थी। किसकी स्थापना, किसकी शुरुआत दोस्तों? भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र न्यूज़पेपर की स्टार्ट जो किया था वो किया था जे ए हिक्की ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिख लेना, गीता रहस्य इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, बहुत ही फेमस पुस्तक है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, आगे हम बात करें राजा राम मोहन राय जी को, ये हमारे हो जाएंगे भाई ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये कौन है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो ये हो जाएंगे दोस्तों फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आया दोस्तों? तो एक बार बताना दोस्तों सभी कि समझ में आया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और हो जाता है आपका, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सत्यशोधक समाज की संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के संस्थापक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं सभी को बता, सभी कुछ बता के चलूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ज्योतिबा फुले जी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ये कौन है दोस्तों? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले जी हैं। तो ये राइट आंसर हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू आपका हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किसने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और इसे चोल साम्राज्य का एक हिस्सा बनाया? क्या दोस्तों? हु अमोंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड द होल ऑफ श्रीलंका एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ चोल एम्पायर? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? चोल एम्पायर का हिस्सा बना दिया था दोस्तों किसे? श्रीलंका पर पूरा पूरे पर कब्जा करके। तो किसने किया था दोस्तों? कौन होगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, क्या दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने, ये हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। समझ में आया दोस्तों? और राजा राज चोल प्रथम के बारे में मैंने बताया आपको, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है, बताइए सभी, निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र आरंभिक पाषाण युग का मुख्य यंत्र नहीं था? इट मीन्स इन निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है वो आपका आरंभिक पाषाण युग में यूज नहीं होता था दोस्तों? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल टूल ऑफ अर्ली स्टोन एज? बताइए दोस्तों, बताइए कौन सा होगा इनमें से? ए बी सी डी, हाथ कुल्हाड़ी, बड़ा छुरा, कुल्हाड़ा या खुरचनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, जो खुरचनी थी वो आपकी पूरा प्रारंभिक आरंभिक पाषाण युग में नहीं यूज होती थी। ठीक है, कुल्हाड़ा भी, बड़ा छुरा भी और कुल्हाड़ी भी यूज होती थी दोस्तों। तो ये समझ में आया, हैंड एक्स क्या है दोस्तों? क्लेवर्स, चोपर्स, स्क्रैपर्स। तो स्क्रैपर्स जो है वो आपकी ये यूज नहीं होती थी दोस्तों, कहाँ पर? आरंभिक पाषाण युग में दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? क्वेश्चन आ सकता है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से मेंशन करना दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो है आपके मतलब ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता थी। समझ में आ गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक स्थान है दोस्तों धोलावीरा। कौन सा दोस्तों? धोलावीरा, जो अभी करंट में था
इसका मुझे आंसर बता दीजिए दोस्तों। ये हाल ही में, ये बताइए कहाँ स्थित है दोस्तों, ये लोकेटेड कहाँ है? धोलावीरा में बता दूं, 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा है दोस्तों, ये याद कर लेना, करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है ये मुझे बताना आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, बट बताने की कोशिश कीजिए, दिख पा रहा होगा आई थिंक, उम्मीद है, क्योंकि बड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा साइज छोटा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है? तो मैच फर्स्ट लिस्ट विद सेकंड लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो पहली लिस्ट ये रही दोस्तों, सेकंड लिस्ट ये रही, सभी ट्राई करिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़ा ये टाइम टेकिंग होंगे दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेसली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, सहायक संधि है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, व्यापक गत का सिद्धांत, बंगाल में धोरी सरकार, ठीक है? बताइए सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे लॉर्ड क्लाइव है ना, क्लाइव भाई, इन्होंने तो की थी आपके बंगाल में धोरी सरकार, ठीक है? यदि हम सी की बात करें 3, ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी, कौन से दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने किया था व्यापक गत का सिद्धांत, हड़प नीति के संस्थापक भी यही थे दोस्तों, हड़प नीति, ठीक है? तो ये भी याद कर लेना दोस्तों। और विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात करें, क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 2 है, ये हो जाएगा डी का, ठीक है? कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का। और सहायक संधि की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई हमारा वेलेसली का, ठीक है? वेलेसली का हो जाएगा हमारा, लॉर्ड कर्जन दोस्तों 1857 की क्रांति के टाइम पे कौन थे? नहीं, वो तो कैनिंग थे हमारे। ये हो जाएगा दोस्तों 1907 के टाइम पे, क्या दोस्तों? 1905 में जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था, या हमारा 1907 में क्या हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पे कौन थे ये? वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है? ये हो गया दोस्तों, समझ में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आपकी स्क्रीन पर आएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए सभी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज रूल्ड बाय द वाडियार डायनेस्टी। बताइए दोस्तों, वाडियार वंश का शासन निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? गुवाहाटी, पटना, जबलपुर, मैसूर। तो कौन सा पर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैसूर पर दोस्तों राज था किसका? वाडियार वंश का, ठीक है? गुवाहाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में, ठीक है? पटना बिहार की राजधानी है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, समझ लेना दोस्तों अच्छे से। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? वो भी आपका जबलपुर में ही है, ठीक है स्टूडेंट्स? आगे चलें, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए सभी, क्या है नूर जहां का मूल नाम क्या था? तो व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूर जहां? तो सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेहरुन्निसा, ठीक है? मेहरुन्निसा इनका क्या था, नूर जहां का, वो हमारा मूल नाम हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक नेम या मूल नाम हो जाएगा, ठीक है? नूर जहां ये कौन थे दोस्तों? ये जहांगीर की पत्नी थी, क्या दोस्तों? वाइफ ऑफ जहांगीर, ठीक है? वाइफ ऑफ जहांगीर थी दोस्तों। इनका मकबरा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूर जहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो नूर जहां का मकबरा की बात करें दोस्तों, तो इनका मकबरा हो जाएगा आपका लाहौर पाकिस्तान में, कहाँ दोस्तों? लाहौर पाकिस्तान में हो गया। अब यदि बात करें दोस्तों जहांगीर का मकबरा, तो ये भी यही हो जाएगा, ठीक है भाई? जहां नूर जहां माई जहांगीर, तो जहांगीर का पूछा जाए तो ये भी लाहौर पाकिस्तान में हो जाएगा, समझ में आया? आगे चले दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, सभी जवाब दीजिए, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया ऊपर, लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया इसका, जहांगीर की कब्र लाहौर में बनाई गई। जहांगीर दोस्तों क्या सलीम नाम था इनके बचपन का, ठीक है? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, और इनके शासनकाल को क्या दोस्तों, इनके जो टाइम पीरियड था, जो इनका शासनकाल था, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसे कहा जाता है चित्रकला का, ठीक है?
चित्रकला का गोल्डन इरा, स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन काल कहा जाता है दोस्तों किसे, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा गया है, तो लिख लेना दोस्तों जहांगीर, ठीक है। जहांगीर को विश्व विजेता की भी उपाधि थी, क्या स्टूडेंट्स, विश्व विजेता की उपाधि भी जहांगीर को थी, विश्व विजेता की उपाधि थी। तो ये हो गया जहांगीर के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, सभी जवाब दीजिए भाई। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, बताइए सभी क्या होगा, कैनिंग होगा, वेलेसली होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा, विलियम बेंटिक होगा, सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आप बहुत ही अच्छा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, क्या स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों प्रथम वायसराय, 1857 की क्रांति में भी यही थे, 1857 की क्रांति के टाइम पे भी यही थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ही। अब हम बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हो जाएंगे हमारे, इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में लिख देना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब यदि हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव है, विलियम बेंटिंक के बारे में बताया मैंने अभी आपको, क्या स्टूडेंट, विलियम बेंटिंक, ये हो जाएंगे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है दोस्तों, विलियम बेंटिंक। अब हम बात करें दोस्तों फर्स्ट वायसराय, तो भाई ये हो जाएगा सीधा सीधा लॉर्ड कैनिंग, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये सभी ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फर्स्ट वायसराय, ठीक है, सभी ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी, तो अच्छे से मेंशन करना दोस्तों। और 2 बजे वाली क्लास जो होगी 2:15 पर सभी जुड़ जाना, डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास होने वाली है आपकी, फर्स्ट क्लास है, 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए भाई मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सभी को पता होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, क्या दोस्तों, सर बी आर अम्बेडकर जी ही हमारे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, और मैंने इनके बारे में बताया था दोस्तों, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है, क्या है दोस्तों, जातियों का अंत, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी की बात पूछी जाएगी दोस्तों, अस्थायी सबसे पहले तो अस्थायी बने थे, ठीक है, पहले अस्थायी बने थे फिर स्थायी हुए थे आपके, तो पहले जो अस्थायी बने थे वो बने थे दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों कब, 11 दिसंबर 1946 को ये बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद स्थायी जो अध्यक्ष बने थे दोस्तों, स्थायी हेड ये आपके बने थे 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। और एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोड़ लें दोस्तों, वे भी लिख लेना आप, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा,
के जो सलाहकार थे, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिख रहा हूँ, सलाहकार तो ये हो जाएंगे दोस्तों बीएन राव जो सलाहकार होंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष बात करें तो ये हो जाएंगे आपके कौन दोस्तों, एच सी मुखर्जी आपके सलाहकार, वो उपाध्यक्ष थे, सलाहकार बीएन राव थे, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे, समझ में आया। और मसौदा समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए सभी क्या है। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे फैक्ट। प्रतिहार हु वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, बताइए दोस्तों प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हरिश्चंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरिश्चंद्र जो थे, जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। आगे चले दोस्तों, नरसिंह देव प्रथम, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आपको ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। नरसिंह देव प्रथम, या इन्हें लिख सकते हैं हम नरसिंह देव प्रथम कौन थे दोस्तों, ये गंग वंश के प्रतापी राजा रहे हैं, ठीक है, गंग वंश के हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेन जो है वो ये है, इन्होंने ओडिशा के कोणार्क, नहीं है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य जो टेंपल है उनकी स्थापना की थी दोस्तों, सूर्य टेंपल की, कोणार्क में सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की, नरसिंहदेव प्रथम ने, जो गंग वंश के थे दोस्तों। और सूर्य मंदिर को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बताया मैंने ये लाइन, ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। गंग वंश के जो राजा थे नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, समझ में आया। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार राजवंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, सभी जवाब दीजिए। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन कोई होगा, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर कौन था दोस्तों, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। क्या बहादुर शाह द्वितीय जो थे वही आपके मुगल एम्परर के अंतिम सम्राट रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने 1857 की क्रांति की जो बागडोर है वो संभाली थी दोस्तों दिल्ली की तरफ से, दिल्ली की क्या ये मैन जो बागडोर संभालने थे, मतलब वही यही थे एक राजा, ठीक है, 1857 वाले। इन्हें कहाँ भेज दिया गया था दोस्तों, मतलब क्रांति के बाद जब वो असफल हो गई थी, इन्हें कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, ठीक है, ये लिख लेना दोस्तों, इन्हें रंगून भेज दिया गया था, रंगून मतलब एट बर्मा बोल सकते हैं हम, ठीक है, या एट प्रेजेंट में म्यांमार, समझ में आया दोस्तों। तो एट प्रेजेंट में बताना दोस्तों रंगून को क्या कहते हैं, कन्फर्म नहीं है एक बार बताना मुझे कि रंगून को एट प्रेजेंट में क्या कहा जाता है दोस्तों, बर्मा या फिर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था, इनकी मृत्यु भी यहीं हो गई थी दोस्तों, कहाँ, रंगून में ही, बहादुर शाह जफर ये हो जाएंगे आपके लास्ट मुगल एम्परर। नूरजहां के बारे में मैंने बता ही दिया, अकबर के बारे में मैंने टोटल जो उनके युद्ध हुए थे कौन कौन से दोस्तों, 1526 27 28 29, ठीक है, पानीपत का, खानगा का, पानी पिया खाना खाया, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तो ये मैंने चारों आपको कल बता ही दिए थे ट्रिक के माध्यम से, तो क्लास देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, सभी जवाब दीजिए। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए सभी, बसंत कुमार विश्वास, सोहन सिंह भकना, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सोहन सिंह भकना जो है ना वो ही गदर पार्टी के संस्थापक है दोस्तों, और लाला हृदयाल को भी कहा जाता है, तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यदि लाला हृदयाल दिया होता तो वो हो जाते, फिर सोहन सिंह भकना नहीं दिया होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, सभी जवाब दीजिए भाई, क्या है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1876 बाय इन कलकत्ता, बताइए दोस्तों किसके द्वारा की गई थी भाई, सभी बताइए इसका राइट आंसर दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का। लास्ट का क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप जब सभी जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस ने की थी दोस्तों, किसकी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, समझ में आ गया। तो चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है,
मली मठ समिति की रिपोर्ट से संबंधित है। किस से संबंधित है दोस्तों? मली मठ समिति की रिपोर्ट, द मली मठ कमेटी रिपोर्ट डील्स विद। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। न्यायिक देरी से शेयर बाजार में सुधार, कपड़ा क्षेत्र में सुधार, क्या है आप क्या है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स में से संबंधित है दोस्तों मली मठ समिति। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 16, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड? बताइए दोस्तों कहाँ होगा बीबी का मकबरा, कहाँ होगा भाई जल्दी बताइए सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों। और बीबी के मकबरे को दूसरा नाम क्या कहा जाता है दोस्तों? सभी बताना बीबी के मकबरे का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सभी बताना मुझे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नेशन ऑफ द नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 54, 75, 93, 118, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 118, ठीक है लिख लेना सभी इस क्वेश्चन को, अच्छा है। 118 होंगे दोस्तों, क्या यो जो संख्या है प्रतिनिधित्व कराता दोस्तों, ये संख्या क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 118 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, बताइए सभी पाणिनी कौन थे? क्या दोस्तों पाणिनी कौन थे, सभी बताना। पाणिनिवाद कौन थे दोस्तों? पाणिनी एक यूनानी दार्शनिक थे या एक भारतीय खगोल शास्त्री और प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? वैदिक काल का एक संस्कृत व्याकरण, प्राचीन काल के महान कवि, पाणिनी कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वैदिक काल का एक संस्कृत व्याकरण है पाणिनी। ठीक है, अ संस्कृत ग्रामरियन ऑफ वैदिक टाइम्स। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, पंचायती राज के अंतर्गत आता है क्या स्टूडेंट्स? पंचायती राज के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? पंचायती राज कम्स अंडर किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? पंचायती राज, क्वेश्चन नंबर 19 सभी बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है भाई, पता है ना सभी को? तो दोस्तों ये जो विषय है ना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, उन सभी को भी याद कर लेना आप। ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज का जो अनुसूची है कौन सी है दोस्तों? 11वीं अनुसूची है। ठीक है, 11वीं शेड्यूल है ये, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, जो क्लास की थी ना मैंने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उनमें मैंने बताया था पंचायती राज 11वीं से संबंधित है और 12वीं से आपका नगर निगम आ जाता है। और इसमें विषय कितने हैं ये भी मैंने अच्छे से बताया था, 29। ठीक है, 29 विषय हैं, क्योंकि 9 और 2 11 और 11 ही शेड्यूल है हमारी, ये ट्रिक है हमारी, समझ में आ गया? और दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट लिखना है, समवर्ती सूची के अंदर क्या क्या आता है, कुछ और इंपॉर्टेंट लिख लें हम साथ के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ये जो हमारी जनगणना हो गया या हमारी शिक्षा लिख लेना है यहाँ पर, शिक्षा हो या वन हो या वन्य जीव हो, ये सब समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। ठीक है, पहले ये राज्य सूची के अंदर आते थे क्या दोस्तों? पहले ये राज्य सूची के अंदर थे, बट आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके द्वारा ये आपके समवर्ती सूची में डाल दिए गए। राज्य सूची के अंदर दोस्तों क्या आती है? पुलिस, पुलिस हमारी राज्य सूची के अंदर है, बट एक एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, दिल्ली के अंदर क्या, दिल्ली के अंदर आपकी पुलिस जो है वो संघ सूची के अंदर आती है। ठीक है, संघ सूची के अंदर, ओनली दिल्ली पे, दिल्ली में ही स्पेशल पावर है ये जो संघ सूची के अंदर आती है दोस्तों, क्या दिल्ली में पुलिस, बाकी वैसे बात करें अदर स्टेट में तो वो राज्य सूची में है, तो एक्सेप्शनल केस जो दिल्ली है। ठीक है, और अब हम बात करें दोस्तों कुछ और पॉइंट्स लिख लेना आपका, जनगणना ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? ये जो जनगणना है ये हमारी आती है जनगणना संघ सूची के अंदर। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत आती है जनगणना, समझ में आ गया दोस्तों? शिक्षा संवर्ती के अंदर आ गई, तो सारे पॉइंट्स दोस्तों अच्छे हैं, याद कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कब आया था दोस्तों, इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया, बताइए दोस्तों कब आया। मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे ना पता हो, सभी को पता होगा। प्रेजर्स की बात नहीं करते दोस्तों, जो अभी कंपटीशन में उतर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए सभी मुझे, तो इससे इजी क्वेश्चन तो कोई नहीं होगा। 1946 में भाई सभी को पता है 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। इसके अंतर्गत दोस्तों तीन मेंबर थे इसमें, जो ये मिशन आया था ना, तो इसमें तीन मेंबर थे, उनके नाम लिख लीजिए आप जल्दी से। एक तो पैथिक लॉरेंस, कौन से दोस्तों, पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे आपके अलेक्जेंडर, एक और थे दोस्तों आपके, ये थे हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे भाई, गलत मत हो, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो तीन दोस्तों इसमें मेंबर आए थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन में दोस्तों, समझ में आया। 1946 में आया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे दोस्तों, रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय, बताइए सभी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जे एच द्रुंत। क्या दोस्तों, जे एच द्रुंत ने स्थापना की थी दोस्तों रेड क्रॉस की, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। जेमिनी रॉय एक प्रसिद्ध थे, क्या थे दोस्तों, जेमिनी रॉय एक प्रसिद्ध थे, इट मीन्स नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे रिलेट करना है। जेमिनी रॉय वाज अ फेमस फॉर, किसके लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों जेमिनी रॉय। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्या होता है, पेंटर थे दोस्तों, ये कौन थे, पेंटर थे भाई ये सभी, ठीक है, जेमिनी रॉय पेंटर थे एक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। तान्या सचदेव कौन है दोस्तों, हु इज आ तान्या सचदेव, बताइए सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तान्या सचदेव कौन है दोस्तों, लिख लेना, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, क्या है दोस्तों, चेस प्लेयर हैं ये तान्या सचदेव, और चेस के दोस्तों शतरंज के जादूगर किन्हें कहा जाता है दोस्तों, शतरंज के जादूगर। तो सभी को पता होगा दोस्तों विश्वनाथन आनंद, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है दोस्तों, ऐसी लग रहा होगा आपको, ठीक है, विश्वनाथन आनंद दोस्तों, क्या, राजीव गांधी अवार्ड जो था वो सबसे पहले ही नहीं दिया गया था, राजीव गांधी अवार्ड फर्स्ट वाला, कब दोस्तों, 1990 से 91 के बीच में, ठीक है, राजीव गांधी अवार्ड। एट प्रेजेंट में दोस्तों राजीव गांधी अवार्ड का नेम क्या है ये बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो इसका नेम चेंज हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, तो सभी ध्यान रख लेना दोस्तों। शतरंज के खिलाड़ी थी तान्या सचदेव। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है, तो द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया एट विच सिटी, कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वही सभी को पता होगा, डिगबोई असम के अंदर दोस्तों क्या है आपकी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सभी को पता होगा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 बताना दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा सीरीज का। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज रेगुलेटेड बाय विच, तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, सभी बताइए, जो आंख के अंदर हमारा प्रकाश पहुंचता है दोस्तों इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरिस। ये बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से मेंशन करना इसे, ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था आपका ये हमारा, तो दोस्तों कैसी लगी सीरीज जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, और 25 के कंप्लीट कराइए जल्दी से, और दोस्तों सभी तैयार रहिए, 2:15 पर आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैक्सिमम संख्या चाहिए मुझे उसमें स्टूडेंट्स की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए।